नमस्कार, ये फेलिसिटी टीवी, फेलिसिटी टीवी में आपका स्वागत है। आज हम दो तीन ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे। एक मुद्दा है राफेल जहाज का, एक मुद्दा है मंदिर का, तीसरा मुद्दा है जम्मू कश्मीर और उसके आतंकवाद का, और चौथा मुद्दा है दिल्ली में पॉल्यूशन का। चारों ही मुद्दे आजकल अखबारों में, टीवी पर, सब जगह छाए हुए हैं। हर एक के अपने अपने व्यूज हैं। हम भी जो लोग कहते हैं उसी को आपको सुनाने जा रहे हैं। अयोध्या मंदिर के लिए पिछले 53 साल से मुकदमा चल रहा है, इसका फैसला हो नहीं पाया। आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे और उन्होंने 10 सेकंड में तारीख दे दी, 10 जनवरी। पता नहीं, ये लगता नहीं कि भाई मंदिर का मुद्दा, जिसके पीछे कितने ही लोग मारे जा चुके हैं और ये जनता के लिए, जनता इसको बहुत ही इगरली देखती है कि इसमें क्या होगा, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट लटकाव नीति अपना रही है। एक आतंकवादी के पीछे सुप्रीम कोर्ट आधी रात को भी बैठ जाती है फैसला करने के लिए कि आतंकवादी के बारे में क्या फैसला होना चाहिए, लेकिन जिस बात के लिए करोड़ों लोग परेशान हैं, पिछले 53 साल से परेशान है, उसका कोई व्यू नहीं ले जाता, उसको आगे खींचा जाता है। हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, लेकिन ये बोलना चाहेंगे, कहते हैं कि कांग्रेस लोगों को बांट रही है या बीजेपी लोगों को बांट रही है, लेकिन यदि ये समस्या अब से 40 साल पहले हल हो जाती, ये मुकदमा 10 साल में ही हल हो जाता, तो आज मंदिर का कोई नाम नहीं था, सब आराम से रह रहे होते। हम दरखास्त करते हैं कि मंदिर पर फैसला जल्दी आना चाहिए। दूसरा मुद्दा है राफेल जहाज का। राफेल जहाज संसद में कागज के जहाज उड़ाए गए, जो आप और हम भी उड़ाते हैं, बच्चे भी उड़ाते हैं, और शायद इतनी सच्चाई इस राफेल जहाज में है जितनी कागज के जहाज राहुल गांधी जी उड़ाकर दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इसमें कोई बेईमानी, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन राहुल जी सिर्फ उन फैसलों को मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी कमेटी के जो उनको सूट करते हैं। जैसे कल एक इंटरव्यू आया था, परसों इंटरव्यू आया था मोदी जी का, राहुल गांधी जी ने इसको फिक्स इंटरव्यू करार दे दिया, लेकिन यदि वो कुछ कांग्रेस के फेवर वाला इंटरव्यू होता या कोई और पत्रकार कांग्रेस के फेवर वाला उनके कुत्ते को, कुत्ते क्या खाते हैं इस बारे में बात कर रहा होता, तो राहुल गांधी जी को बहुत अच्छा लगता, अदरवाइज तो सब फिक्स ही फिक्स है। वैसे आजकल दो तीन नीति अपनाई जा रही हैं जिनको स्ट्रेटजी बोलते हैं, विनिंग या लूजिंग स्ट्रेटजी, राहुल गांधी जी अपना रहे हैं हिट एंड रन नीति। कश्मीर में आतंकवाद भी पिछले 20-25 साल से हिट एंड रन नीति अपना रहे हैं, वो अटैक करते हैं और भाग जाते हैं। पाकिस्तान भी ऐसी नीतियों पर चल रहा है, कुछ डायलॉग बोलो और फिर उसको मानो मत। पाकिस्तान भी ऐसी नीति अपना रहा है, वे कहते कुछ हैं, शांति कहते हैं, और शांति के बाद में फिर अपना अटैक करने लगते हैं। ये भी हिट एंड रन नीति का एक हिस्सा है, शायद राहुल गांधी जी को ये अच्छा लगता है, इसलिए इन्होंने संसद में कागज़ के हवाई जहाज उड़ाकर दिखा दिया कि वही राफेल भी एक मुद्दा है, बट वो उतना ही मुद्दा है जितना कागज के जहाज हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं क्रिएट प्रेसिडेंट देन सॉल्व द प्रॉब्लम, वो किसी भी देश पर प्रेशर बना देते हैं और उसके बाद में जब वो देश परेशान होता है तब उसका अपनी मर्जी से समझौता करते हैं। इसी तरह से राफेल जहाज में भी कुछ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये एक उन्नत किस्म का जहाज मोदी सरकार ने सस्ते रेट पर लिया है, लेकिन हम है गाना बजाते रहते हैं और भी ये गाना इलेक्शन में बजता रहेगा। अभी हमारे नेताओं का अगले आने वाले इलेक्शन में क्या रहेगा ये भगवान ही मालिक है, कौन कुछ भी बोल दो उसी पर जनता वोट दे देती है, सच्चाई कोई नहीं जानना चाहता। तीसरा मुद्दा था कश्मीर का। कश्मीर में कल हैप्पी न्यू ईयर के उपलक्ष्य में 4 आतंकवादियों को, जो बहुत बड़े आतंकवादी थे, मार गिराया।
और ऐसे ही पिछले साल में इन्होंने टोटल 311 आतंकवादियों को मार गिराया, जो एक रिकॉर्ड है। आतंकवादी भाग रहे हैं, नर्वस हैं, इसलिए महबूबा मुफ्ती भी उनके फेवर में खुलकर आने लगी हैं। कभी वो कहती हैं उनकी औरतों को मत छेड़ो, कभी कहती हैं उनके रिश्तेदारों को मत छेड़ो। अब धीरे धीरे वो कहने लगेंगे कि तुम आतंकवादियों को भी मत छेड़ो, और हम हैं सुनते जाएंगे। हमने पहले भी इस टीवी के माध्यम से कहा था कि यदि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता तो ये महबूबा मुफ्ती क्यों उनके बारे में बोलती हैं, उनके बारे में दूसरे क्यों नहीं बोलते। कांग्रेस भी राफेल जहाज के बारे में इतना प्रचार कर रही है कि पाकिस्तान को सुकून मिल रहा होगा। पाकिस्तान को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। कोई ये नहीं पूछता कि पिछले 10 साल के शासन में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस ने एक भी डिफेंस डील जहाजों की क्यों नहीं की। हमारी पूरी एयरफोर्स, नेवी व मिलिट्री पुराने हथियारों पर चल रही है, लेकिन कांग्रेस को कोई चिंता नहीं हुई। मोदी जी ने कुछ डील की तो इसमें कांग्रेस को बहुत ही चिंता होनी शुरू होगी, और कई लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हैं। एक नया डायलॉग आया, वैसे तो सोशल मीडिया में ये पिछले 2-3 साल से प्रचारित है, कि कांग्रेस वाले फिरोज जहांगीर खान का बर्थडे क्यों नहीं मनाते या उसकी कब्र पे क्यों नहीं जाते। और लोग कहते हैं फिरोज जहांगीर खान का पोता दत्तात्रेय ब्राह्मण है। बागपत में भी एक घटना हुई जिसमें एक लड़का शहजाद खान ने हिंदू धर्म अपना लिया, क्योंकि इसके ससुराल वाले या इसके घर वाले इसको तंग कर रहे थे, और हिंदू लोगों ने इसका स्वागत किया। अभी एक कई दिनों से क्या पिछले 4 महीने से खबर चल रही है दिल्ली में पॉल्यूशन की। अब नवंबर दिसंबर में जब धान की पुआली जलाई गई, धान कटने लगे, तो दिल्ली सरकार में हमारे समाचार पत्रों के, समाचार टीवी चैनलों के बहुत सारे पत्रकारों ने हंगामा मचाया कि भाई पुआली की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है। आज दिल्ली का पॉल्यूशन बिल्कुल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, और दिल्ली सरकार ने अगले 24 घंटे के लिए दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद कर दी, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉल्यूशन कभी नहीं हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा है कि भैया अब तो पुआली नहीं जल रही है, फिर ये दिल्ली में पॉल्यूशन कहाँ से आ गया। हम भी ये कहते हैं, कई शरीफ लोगों ने ये बोला कि पुआली जलने से जब उस जगह पर पॉल्यूशन नहीं होता तो दिल्ली में क्यों होता है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। अजय माकन जी ने दिल्ली में कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है, और इनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। ये थोड़े से जमीन से जुड़े हुए नेता थे, शायद इसलिए कांग्रेस को पसंद नहीं आई। देखते हैं अगला दिल्ली का कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा। रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा ने पहले 6 दिन के अंदर अंदर 200 करोड़ रुपए की कमाई की। आजकल इसके कंपटीशन में कोई भी फिल्म नहीं है, और ये बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मोदी सरकार ने कश्मीर में चिनाब नदी पर 359 मीटर हाइट का इन्वर्टेड पुल बनाया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। ये पुल 17 केबल्स पर खड़ा हुआ है। ये भारतीय इंजीनियरों की एक मिसाल है कि भारतीय इंजीनियरिंग कितनी उन्नति कर रही है। थैंक यू।